अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से इस्तकबाल है मेरे चैनल मीर फिशिंग मास्टर में। कुछ ज़रूरी चीज़ें दोस्तों, मैं ये जो अभी अनबॉक्सिंग करना चल रहे वाला हूँ, ये एक तीन चार पांच अनबॉक्सिंग्स है जो ब्रेकअप में आएंगी। एक साथ इतने सारे वीडियोस में डाल नहीं सकता, तो तीन चार अनबॉक्सिंग एक साथ और दो तीन एक साथ डालूँगा। मैंने काफ़ी सारा सामान मंगवाया है। अब मैं सबसे पहले शुक्रिया कहूँगा एंगलर टैकल इंडिया वाले आमिर भाई को, जिन्होंने इतनी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मुझे प्रोवाइड किए हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी डीलर से अगर आप सामान मंगवा रहे हो, मैं जितने डीलर से सामान मंगवा रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, नाम नंबर दे दूंगा, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप कीजिए पर कॉल मत कीजिए, वो लोग बहुत बिजी होते हैं, और सिर्फ आप नहीं, पूरे हिंदुस्तान से कॉल जाते हैं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं उनसे, उसमें ये फ्रॉग है जिसका काफ़ी नाम चल रहा है, और ये कैप है, ये आमिर भाई ने मुझे दी है। काफ़ी रिजनेबल रेट में वो कैप दे रहे हैं, ओनली 200 रुपीज़ में कैप उनके व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट पर अवेलेबल है। आप चाहे तो वहाँ जाकर ले सकते हैं। इसकी ख़ास बात ये है, इसको पूरी जाली है। अभी गर्मियों के दिन है दोस्तों, जो कैप टोटल टाइट रही वो काफ़ी तकलीफ़ करेंगी, और काफ़ी बेस्ट साइज़ है कैप की। और मैं उनसे टी शर्ट भी मंगवाने वाला हूँ, उनके जो नए टी शर्ट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अब ये एक फ्रॉक जिसकी बहुत तारीफ़ सुनी है, तो चलिए दोस्तों, इसे भी मौका मिल रहा है हमें अनबॉक्सिंग करने का, तो इसे भी अनबॉक्स करते हैं। ये है मैन F1 फ्रॉक। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये प्रो लूर लॉन्ग कास्ट के नाम से जाना जा रहा है, पर मैन F1 ही बोल रहे हैं सब इसे। ये बिश्मा आउटडोर्स वालों का बनाया हुआ फ्रॉग है, और इसकी कुछ खसूसियात है। ये 15.5 ग्राम का फ्रॉग है दोस्तों। मैंने लियोपर्ड कलर में ही तीनों फ्रॉग्स मंगवाए हैं, तो ये सॉफ्ट बॉडी फ्रॉग है। इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ है जिसे जो इसे हम ओपन कर कर ही देखेंगे कि क्या है वो खूबियाँ। तो इसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। ये वाओ, लगता है ये इसका वेट गिर गया है। अरे नहीं, माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉग F1 वाले और आमिर भाई। ये एक्स्ट्रा वेट दिया है जो आज तक मैंने किसी फ्रॉग के साथ नहीं देखा। ब्रांडेड फ्रॉग्स भी एक्स्ट्रा वेट नहीं देते, और जब वेट गिर जाता है दोस्तों तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। और अगर हम कोई डुप्लीकेट फ्रॉग इसमें ऐड करते हैं, तो सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती है कि वो इसका बैलेंस ख़राब कर देता है, या तो इसका कास्ट ख़राब कर देता है। अब चलिए, ये थैंक यू इस एक्स्ट्रा वेट के लिए, इसे संभाल के रखिए दोस्तों। इस पर थोड़ा सा फेविक्विक लगा दीजिए तो ये भी नहीं गिरेगा। अब इस फ्रॉक की बात करते हैं दोस्तों, इसकी काफ़ी तारीफ सुनी मैंने, बनावट काफ़ी अच्छी है, सॉफ्टनेस्ट बेस्ट, वाह माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। ये सॉफ्टनेस्ट मुझे 800 और 1000, 1200, 1500 वाले फ्रॉग में मिलती है, बेस्ट। इस पे अगर आप देख पा रहे हो तो बारीक बारीक होल है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको काफ़ी डिटेल में बताता चलूँ इसके बारे में। देखिए दोस्तों, कितने बारीक होल हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये बारीक होल क्या कर रहे हैं, ये आर पार है, मतलब अगर इसे फिश स्नेक हेड बाइट करता है तो इसमें से एयर निकल जाएंगे और ये दब जाएंगे। अब जो मैं दूसरे तरीके से चेक करता हूँ, माशाल्लाह, देखो दोस्तों, इसके हुक भी बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, बहुत बेहतरीन। अगर आप अभी इसे भी देख पा रहे हो तो ये बॉडी से बिल्कुल लग कर चल रहे हैं। देखो, ये इस तरह चेक करता हूँ मैं, तो ये बहुत जल्दी हुक होंगे, और मैं अक्सर हुक को चौड़ा खुद करता हूँ, दूसरे हुक्स को, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही चौड़े आए हैं। इस फ्रॉक के रिज़ल्ट इंशाल्लाह हम पानी पे ज़रूर देखेंगे। काफ़ी तारीफ़ सुनी है इसकी। ये शायद मुझे कॉस्ट प्रॉपर याद नहीं, 390 रुपये का एक आया है। तो ये फ्रॉक्स मैंने उनसे मंगवाए हैं, और कैप उन्होंने दी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, एंगलर टैकल इंडिया, उनकी तरफ से ये आया है। और मैं डिस्क्रिप्शन में हर डीलर जिससे भी मैंने सामान मंगवाया है, मैं उसकी डिटेल दे दूंगा। और आमिर भाई का जो टी शर्ट आ रहा है अभी, वो भी आप यूज़ करें, मैं मंगवाने वाला हूँ इंशाल्लाह, तो आप वो भी देखें, क्योंकि वो टी शर्ट हीट जो है उसको रजिस्ट करता है,
और आपको हीट का जो स्ट्रोक होता है वो लगने से बचाता है, बॉडी जलने से बचाता है। तो वो टी शर्ट जैसी आते हैं वो आई थिंक मैंने जब देखा उनकी बिजनेस अकाउंट पे तो 600 रुपये का अवेलेबल है, बहुत सस्ते रेट में दे रहे हैं दोस्तों वो। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको परचेस करना है तो आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। चलिए मेरी अगली अनबॉक्सिंग भी देखिए दोस्तों, मैं ब्रेकअप में वीडियो डालने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। दोस्तों मुझे ये काफ़ी वीडियोस ब्रेकअप में बनाने पड़ रहे हैं, मेरी काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग है, बट जैसा कि मैंने कहा कि जिन लोगों के लिए ये सामान मंगवाया है ये उन्हें देना होता है। मेरी भी क्यूरियोसिटी होती थी जब मेरा सामान आता था तो, कि मैं कितनी जल्दी उसे यूज़ करूँ, उसे देखूँ वो मेरी कैसी चीज़ है। तो चलिए, ये मैंने कैबरल आउटडोर से मंगवाई है, मेरा फेवरेट प्लेस जहाँ से मैं फ़िशिंग के काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स मंगाता हूँ। दो तीन जगह जो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, जहाँ मेरा ट्रस्ट है, एक मनीष भाई और एक कैबरल आउटडोर, इन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है मेरा। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे देता हूँ कि ये जो हमारे भाई है, बड़े भाई, उनका एक कहना था कि उन्हें रॉड चाहिए और ज़रा मज़बूत वाली रॉड चाहिए। उनकी कंप्लेंट थी कि मुझे कोई सादी रॉड नहीं चाहिए, मज़बूत रॉड चाहिए। तो उनकी कंप्लेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना कुछ एक्सट्रीम लेवल की चीज़ मंगवाई जाए। अब हमने सोचा था कि मेजर क्राफ्ट की रॉड का ऑर्डर देंगे, बट सम हाउ मेजर क्राफ्ट 7 फुट में अवेलेबल नहीं है, और 7 फुट में अवेलेबल नहीं होने की वजह से, ये मैं आपको दोबारा बता दूं सिर्फ हाईलाइट के लिए कि मैंने ये कैबरल आउटडोर से मंगवाया है, बस एक चीज़ की ये मुझे उनके पास महंगी मिली। हाँ दोस्तों, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, ये मुझे थोड़ी उनके पास महंगी मिली। खैर, उनके पास पुराना या नए स्टॉक का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, मार्केट चेंज होता रहता है दोस्तों। तो हमारी बात ये शुरू थी कि मुझे रॉड लेनी थी उनके लिए, मेरे भाई के लिए, यूनुस भाई के लिए। तो हम मसला ये था कि उन्हें थोड़ी मज़बूत किस्म की चीज़ चाहिए थी, थोड़ी रफ़ टाइप में, लेकिन ब्रांड में मेजर क्राफ्ट 7 फुट में अवेलेबल नहीं थी। फिर जब मैंने इंक्वायरी निकाली तो मुझे दो रॉड्स बहुत पसंद आई, एक डाइवा पावर, क्या नाम था यार उसका, डाइवा पावर ही है शायद, समथिंग ऐसा कुछ है, उसके तीन चार रॉड आते हैं। और मुझे शेक्सपियर का तो मैं पहले से ही फ़ैन रहा हूँ, तो एक मेरे करीबी दोस्त ने सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू गो विथ शेक्सपियर बिग वाटर, आप शेक्सपियर बिग वाटर क्यों नहीं लेते। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए ये चीज़ करके देखते हैं, ये जिनके पास अवेलेबल है हमने तलाश किया, तो ये मनीष भाई के पास में भी अवेलेबल है। अब हो सकता है मनीष भाई के पास में पुराना स्टॉक हो, कैबरल आउटडोर के पास फ्रेश स्टॉक हो, या रेट में चेंजेस आए हो, इन्होंने नया मंगवाया हो इन्होंने जूना। तो ये 400 रुपये से सस्ती मनीष भाई के पास है, और कैबरल आउटडोर पर ये 400 रुपये से महंगी है फिलहाल। फिलहाल मैं दोबारा कह रहा हूँ, हो सकता है कैबरल आउटडोर पर भी ये सस्ते वाला स्टॉक आ जाए। दोस्तों ये रॉड ओपन कर चुका हूँ मैं, अब मैं जस्ट आपको इसकी कुछ खसूसियात बताता चलूँगा कि ये रॉड क्या चीज़ है। तो मैंने इसकी परमिशन ली है यूनुस भाई से कि मैं इसे खोलकर वीडियो बना लूं, उनका और भी सामान आना है, उनकी रील आना है, मेरी फेवरेट रील मैंने उनके लिए मंगवाई है। मजबूती की जहाँ तक बात करूँगा तो डाइवा क्रॉस फायर मुझे उस जैसी रील नहीं मिली है। उसका रीज़न है दोस्तों कि वो 12 kg तक का ड्रैग ले सकती है, एंटी रिवर्स सिस्टम है जो मुझे बहुत पसंद है, और काफ़ी ज़्यादा लाइन बैठती है। सेम चीज़, सबसे पहले तो अगली स्टिक इसे देख लीजिए, बिग वाटर। अब दोस्तों इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मैं बताता चलूँ, यहाँ पर अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा नाम है, क्वालिटी फूजी प्रोडक्ट्स। ये फूजी के ताल्लुक से मैं आपको बताता हूँ, पहले हम देख लेते हैं शेक्सपियर अगली स्टिक, ये बिग वाटर है, इसकी डिटेल यहाँ है, ये 7 फिट की रॉड है और एक्शन मीडियम है,
एक सौ 100 ग्राम के आसपास में इसकी पूरी डिटेल भी थी। ये 120 या 100 ग्राम तक का लूर कास्ट कर सकती है। अब दोस्तों इसके ये ओ गाइड्स हैं। अब इसके फूजी होने का प्रूफ जो लोग नहीं बता पाते, देखिए मैंने ये कैमरा लिया ही इसीलिए हूँ। एक्चुअल में मैं अभी फ़िलहाल में जिस कैमरे से मैं सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैंने वो लिया हुआ हूँ। ये मेरा S21 अल्ट्रा हैंडसेट है। इसका कैमरा काफ़ी शार्पली बता सकता है आपको। ये फूजी गाइड्स है, ये इसके ओरिजिनल होने की पहचान है। यहाँ से ये रॉड इन होंगी और ये उसका टिप सेक्शन होगा। 2 सेक्शन रॉड लिए 7 फिट की। दोस्तों वही चीज़ दोबारा, ये फूजी गाइड, ये फूजी ने डिज़ाइन किया है सिंस फ्रॉम 1938। ये गाइड्स बनाने में किंग है दोस्तों। और ये रॉड में गाइड्स इसी के है। इसका टिप अगर देखोगे आप, जो मेरा बहुत फेवरेट है, शायद ही ये रॉड के बारे में किसी ने इस तरीके की डिटेल आपको दी होंगी। और इसके हर गाइड के ऊपर फूजी लिखा हुआ है दोस्तों, हर गाइड के ऊपर आप अगर देखोगे करीब से तो लगभग हर गाइड के ऊपर फूजी लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा लाइट का इम्पैक्ट इसके ऊपर सही नहीं आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ। हर गाइड के ऊपर फूजी लिखा हुआ है दोस्तों, ईच एंड एवरी गाइड। ये है फूजी की पहचान। ये ओ टाइप गाइड्स है। ये काफ़ी बेहतरीन और मज़बूत रॉड है। हो सका तो इंशाल्लाह मैं उनके साथ में आपको इसको फील्ड पर भी बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा ना लंबा करते हुए, फोम हैंडल है दोस्तों, जैसा मैंने कहा बिग वाटर, और ये है किंग रॉड। अब मुझे जो इसका टेस्ट है वो फील्ड पर ही मालूम पड़ेगा, खुद यूनुस भाई बताएंगे क्योंकि वो काफ़ी बड़े शिकार करते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसे यहाँ रोकते हैं। मुझे दूसरी चीज़ों की भी अनबॉक्सिंग साथ ही में लेनी है। थैंक यू दोस्तों, मैं दूसरी अनबॉक्सिंग जल्दी करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि ब्रेकअप में चीज़ें आ रही है, तो मैं ब्रेकअप में वीडियो बनाऊंगा। सेकंड पार्सल ऑल्सो रिसीव टुडे। मेरी सबसे फेवरेट चीज़, मैं बताता हूँ क्यों। पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। देखिए चीज़ जितनी कॉम्पैक्ट होते जाएगी उतना गेयर रेशो बढ़ता जाएगा, और जितना गेयर रेशो बढ़ेगा, जैसे आप बाइक कास्टिंग में देखोगे अब तो 8.2 का भी गेयर रेशो आ रहा है। जितना गेयर रेशो बढ़ेगा उतनी रील मजबूत रहेंगी। वेट देखिए दोस्तों, 290 ग्राम, मैक्सिमम 12 kg का ड्रैग है इसमें। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है इसकी, 12 kg का ड्रैग। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी है। देखो इन सारी चीज़ों में इन्फिनिट एंटी रिवर्स, ये चीज़ को समझिए। इनफाइनाइट एंटी रिवर्स ये सिस्टम क्या है, ये मैं आपको इसको खोलकर बताऊंगा। लॉन्ग कास्ट के लिए ये काफ़ी बेहतरीन रील है, तो हम इसे अभी देख लेते हैं। देखो अगर नायलॉन रील यूज़ कर रहे हो या ब्रेडेड, तो इसने ये भी बताया है कि इसमें क्या कैपेसिटी में आ जाएंगी, कितने मीटर की लाइन, 300 मीटर तक लाइन बैठ सकती है दोस्तों इसमें। अगर आप 22 mm या 18 mm की लाइन यूज़ कर रहे हो, तो ये कैपेसिटी है 18 mm की, तो 400 मीटर तक बैठ सकती है। 20 mm की 300 मीटर, 18 mm की 400 मीटर, और 22 mm की 260 मीटर। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे इसका डिफरेंस, तो आप 150 मीटर के ऊपर 28 mm की लाइन इसमें बैठा सकते हो, और लाइन जितनी पतली रहेंगी उतना बेहतरीन कास्ट होगा। अब हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। मैंने इसकी बॉक्स की ओपनिंग कर ली है। ये रील है दोस्तों, इसकी कुछ खसूसियात है जो मैं आपको बताता चलता हूँ। बिल्ड क्वालिटी के मामले में डाइवा वन ऑफ दी बेस्ट कंपनी। मेरे पास में ये रील ऑलरेडी है, और मैंने ये यूनुस भाई के लिए मंगवाई है जिन्होंने मुझसे सामान मंगवाया है। तो चलिए सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं और इसका रिव्यू देखते हैं। मैं यूजुअली जो है तो लेफ्ट हैंड यूज़ करता हूँ, तो मैं इसे लेफ्ट साइड से ही डालूँगा। अब
अब इसकी खसूसियात मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, जो मैंने एंटी रिवर्स सिस्टम कहा था वो भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ज़रूर। पहले इसे लॉक कर लेते हैं, पहले इसे लगा लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बारीक से बारीक चीज़ें आपको बताता चलूँ इसकी। सॉरी, मैं ये रात में वीडियो बना रहा हूँ तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा अलग आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको माइक्रो में इसकी डिटेल बता सकूँ। ये देखिए, LT लाइट टच का मीनिंग होता है इसका। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है जो लाइन की मैंने बताई थी। अब एंटी रिवर्स सिस्टम डाइवा ओरिजिनल, यहाँ पर चेक करना होता है हमें कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं, तो इससे समझ में आ जाता है दोस्तों, मेड इन वियतनाम। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे उल्टा घुमाने वाला बटन नहीं है। मैक्सिमम रील्स में इसे उल्टा घुमाने वाला बटन भी होता है। इससे होता क्या है दोस्तों, माशाल्लाह देख सकते हो दोस्तों आप, स्मूथनेस देखिए इसकी। ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथ से घुमाया हूँ मैंने। मैं आपके सामने इसको ताकत लगाता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ सके। देखो दोस्तों, स्मूथनेस देखिए, माशाल्लाह। ये चीज़ की वजह से मुझे ये रील बहुत पसंद है। पानी जैसी चलती है बिल्कुल। कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, लाइन कैपेसिटी जिसकी मैं बात कर रहा था। ये एंटी रिवर्स सिस्टम, इससे होता क्या है, इससे आपके गियर्स ख़राब नहीं होते जल्दी जल्दी, आपके गियर्स ख़राब नहीं होते। वाओ, ऑटोमेटिक बाइल सिस्टम है इन केस। ये एंटी रिवर्स सिस्टम की वजह से हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए दोस्तों, ये यूनुस भाई को उनको देते हैं दोबारा। काफ़ी बड़े इसमें ड्रैग कैपेसिटी है इसकी, उनसे इसका रिव्यू भी लेते हैं। मुझे तो पसंद है दोस्तों, लेकिन किसी और आदमी को हो सकता है कि मैं पेड़ प्रमोशन भी कर दूँ या मैं मेरी पसंद की चीज़ की ज़्यादा तारीफ़ कर दूँ, पर ये यूनुस भाई से मैं इसका ज़रूर फीडबैक लूँगा कि ये क्या चीज़ है ज़रा बताएं, और इंशाल्लाह रॉड और रील का फीडबैक मैं उनके हाथ से ही आपको दूंगा। लाइन तो हम लोग इसमें गीक लाइन ही डालने वाले हैं उनके लिए। तो चलिए दोस्तों, तब तक वेट कीजिए।